पराधीन भारत को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले माँ भारती के शहीद जवानों की शहादत को नमन करते हुए क्षेत्र के पौराणिक धाम रानीगंज अजगरा से स्वामी बाबा नरेंद्र ओझा के सामने निकली बलिदान स्मृति यात्रा। इस दौरान क्षेत्र के सैकड़ों लोग यात्रा में सम्मिलित हो भारत के वीर सपूतों को अर्पित किए श्रद्धांजलि। पाकिस्तान की तरफ पूछ करेंगे और ये बताएंगे कि पाकिस्तान तेरी आबाद क्या है। एक पुलवामा नहीं, हजार पुलवामा बहुत, लेकिन हम जब तक तुझे नेस्तनाबूद नहीं कर देंगे चुप रहना। और मैं उन दुश्मनों को आगाह कर देना चाहता हूँ, आज यहीं से आगाह दुनिया में कहीं रहोगे कि प्रतापगढ़ की धरती के जाबाज भाई समाज में अश्लीलता का प्रदर्शन होता है, आप महसूस करते होंगे। आपका भाई भी हो सकता है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी बेटी भी हो सकती है। हम उनका आह्वान करते हैं वैलेंटाइन डे के नाम पर, उस जिस अश्लीलता का प्रदर्शन करते हैं वही युवा, उन युवा से मैं बात करना चाहूंगा, एक संदेश देना चाहूंगा। आप आज युवा हैं, कल आप पिता हूं। क्या आप चाहेंगे कि आपका बेटा वैलेंटाइन डे मनाए, क्या अश्लीलता का प्रदर्शन करे समाज में? कभी भी नहीं चाहता। हमेशा माँ बाप यही सोचता है कि तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तो इस आह्वान के साथ वैलेंटाइन डे मनाना नहीं बल्कि शिक्षा, संस्कार और सुचरित्रता के संगम में डुबकी लगाए। अरे यह भारत है जहाँ संस्कार से इसका परिचय होता है, वह भारत है जहाँ सुचरित्रता से इसका परिचय होता है। शिक्षित, शिक्षा, संस्कार और सुचरित्रता से जिस देश का परिचय हो वहाँ शिक्षा, संस्कार और सुचरित्रता की ज्योति का संगम होना चाहिए। वैलेंटाइन डे का नाम उस निशान नहीं होना चाहिए। उस 14 फरवरी को हम लोगों को पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों को मनाना चाहिए, शहीदों को याद करना चाहिए, राष्ट्रभक्ति को याद करना चाहिए। हमारे